बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ जमाल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। और आज रावलपिंडी में मैं रहता हूँ और आज माशाल्लाह यहाँ पे बारिश का बहुत अच्छा मौसम है। और इस मौसम की मुनासबत से मैंने आज जो रेसिपी चुनी है वो है समोसा चाट, जो रमज़ान में भी खाई जाती है, रमज़ान के अलावा भी बहुत शौक से लोग खाते हैं। तो मैं प्रॉपर आपको समोसा चाट बनाना सिखाऊंगा। आप जब घर में बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वाकई में इससे अच्छी चाट नहीं बन सकती। तो आइए मेरे साथ किचन में चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको इस समोसे की पहले डो बनाना सिखाता हूँ। तो डो के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 750 ग्राम मैदा है, ये आपने डालना है इसमें। और इसके साथ ही आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून अजवाइन ये डालनी है। और इसको पहले मिक्स कर लेना अच्छी तरह इस तरीके से। फिर इसमें 150 ग्राम घी जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। आप इसको आपने इस तरीके से मिक्स करना है। पानी बाद में डालना है आपने, पहले इसको इस तरीके से मिक्स करना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हाथ में इस तरह मुट्ठी बना के देखें, अगर ये जुड़ता है तो समझिए परफेक्ट हो गया है। फिर इसमें पानी डालें आप, जब तक इस पोजीशन में ना आए पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना है इसमें। ये तमाम चीज़ें इसमें यकजान हो जाएंगी। घी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। ये देखें ये बन रही है, अब इसका मतलब है कि अब ये पानी डालने के लिए तैयार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, ना ज़्यादा ना कम इसको रखना है। हार्ड किस्म की इसकी बनेगी डो। ये व्यूवर्स बस इसके बाद जो है ना इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी इसमें जो है तकरीबन समझ लें कि 150 ग्राम चला गया, बस समझ लें। आधा कप से थोड़ा पानी इसमें जा चुका है। बस ये आपकी थोड़ी हार्ड रखनी है डो को, हार्ड उसको बिल्कुल जो है ना नरम ना कीजिएगा, नहीं तो समोसा आपका सही नहीं बनेगा। ये इससे ज़्यादा आपने इसको बेलना भी नहीं है, गूंदना भी नहीं है। और इसको साथ ही आप किसी, बल्कि हम इसको जो है ना पॉलीथीन बैग में रख देते हैं, कहीं से भी एयर इसकी निकलेगी नहीं। ये इस तरीके से आप इस तरह करके रख दें तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, फिर हम बताते हैं टिक्किया कैसे बनेंगी इसकी। व्यूअर्स, जब तक डोस की अपना मैरिनेट होती है उस तक मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चने जो कि समोसा चाट के लिए होते हैं वो किस तरह बनते हैं। ये हमने चने एक रात भिगो दिए थे पहले ही तकरीबन 8 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको हमने पानी इसका सारा ड्रेन करके इसको हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून सोडा लगा के पूरी रात के लिए रख दिया था। यानी कि 8 घंटे पानी में भिगोएं, उसके बाद पानी फेंक के और खुशक चनों को आपने 2 टेबल स्पून सोडा लगा के खाने वाला, और मज़ीद 8 घंटे के लिए इसको रख देना है फ्रिज में। और उसके बाद इसको धो के इस फॉर्म में आ जाएंगे ये। धोने के बाद इसको आपने तकरीबन 2 गिलास पानी में उबलने के लिए चढ़ा देना है। इसको ना बिल्कुल इतना पकाना है कि बिल्कुल ये आटा बन जाए, ना ही सख्त छोड़ना है। मैं आपको बताऊँगा इस तरह, अभी हम इसको पका लें फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी नाजरीन, जो बड़े समोसों के फिलिंग है मैं इतने आपको वो बताया था। जब तक हमारे चने वगैरह तैयार हो रहे हैं, ये 1/2 किलो हमने आलू लिए थे, बॉयल आलू हैं। और अब इसके अंदर जो मसाला जाएंगे और जिस तरीके से जाएंगे मैं वो आपको बता दूँ। पहले मैं आपको मसाले दिखा देता हूँ। नाजरीन, ये मसाला जात हैं जो हमारी आलू की फिलिंग में जाएंगे, जिसमें लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला 1/2 टीस्पून, ये मेथी कसूरी है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून,
ये काली मिर्च है ये हाफ टी स्पून, और ये अजवाइन है ये हाफ टी स्पून, ये और ये हल्दी हाफ टी स्पून, नमक आप हसब ज़रूरत साथ डालेंगे उसी वक्त। ये तमाम चीज़ें अब मैंने इसको रोस्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ अगला मरहला। नाज़रीन ये डो की जो फिलिंग है, जो आलू मसाला डलेगा मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसको अब जो है हमने किस तरह उसके अंदर मिलाना है आलूओं में, उसका तरीकाकार ये है कि 2 चम्मच बस ये ऑयल डालें आप, इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालना है, ये लहसुन में थोड़ी खुशबू आ जाए, तो साथ ही आपने इसके अंदर ये प्याज डालने दी है, ये 2 दरमियानी प्याजें थी जिनको मैंने ये क्रश कर लिया है, ये डाल दें। इस प्याज को बहुत सुरख नहीं करना, बस लाइट सी ब्राउनिश सी हो जाए, उसके बाद जो है बाकी मसाले इसमें डालने आपने। ये भी बस ये लाइट ब्राउन सी हो गई है, अब इसमें वो तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए ये डालेंगे। नमक इसमें नहीं जाएगा, नमक इसलिए नहीं जाएगा कि ये मसाला ऐसा है कि इसको आप जो है फ्रीज भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, आप बहुत सारा बना के फ्रीज़र में रख दें, और जब आपने समोसे बनाने हो आलू उबाले उसके ऊपर इस मसाले को डाला जितनी ज़रूरत है, और ऊपर से नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं इसमें, तो ये मसाला तैयार करके आप रख सकते हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट तक आपने भूनना है, 5 मिनट के बाद उसको उतार लेना है ठंडा करके, फिर उसको आपने आलू में मिक्स करना है। ये व्यूवर्स हमने 40 मिनट के बाद जो है इसको डो को निकाला है, अभी आपके सामने मैं इसकी टिक्की बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से टिक्की इसकी बनेगी। ये देखें, ये जो मेरा तरीका कार है ये है, और मेरे ख्याल में ये आसान तरीन तरीका है। इसको एक मतलूबा थिकनेस तक आप इसको रोटी बेल लें, एक मोटी सी, बस इससे ज़्यादा पतली नहीं करनी ये। इसके बाद कोई भी आपके पास ढक्कन हो किसी भी किस्म का, उससे आप कटिंग कर सकते हैं मतलूबा साइज़ के मुताबिक। मैंने एक गिलास लिया है, मैं इसे गिलास से कटिंग करूँगा, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये इस तरीके से काटें, ये नाज़रीन कट गई है, ये कटिंग कर लिया, तो बाकी जो आपकी वेस्ट बचेगी वो ज़ाया नहीं होगी, उसकी दोबारा आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। ये आपकी टिक्कियाँ बन गई, ये इसको हम बाद में करते हैं, पहले मैं आपको इसके समोसे बना के दिखा दूँ। ये व्यूवर्स इस पर आप मैदा डाल दें ताकि वो चिपके ना, और काफ़ी सारा मैदा डालें ताकि आपको बेलने में आसानी हो। ये आपने इस तरह मैदा लेना है इस तरीके से, ये लंबाई में अगर आप बेलेंगे ना तो ये खड़ा समोसा बनेगा आपका। ये व्यूवर्स आपने इस शेप में इस साइज में बेल लेना है इसको, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कटिंग करके इसकी कि कटिंग कैसे होगी। ये आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और निशान लगा लेना है, सीधे कीजिएगा इसको, यहाँ से यूँ कट करके यूँ एक के ऊपर रख देते हैं। बाकी सारी भी टिक्की इसी तरीके से आपने बेलनी, इसी तरह कटिंग करनी है। फिर मैं आपको फिलिंग भरने का तरीका बताता हूँ मिक्स करके। ये भी वर्स आलू थे जो हमने फिलिंग के लिए उबाले थे, ये इनको हाथ से इस तरह मैश कर लें। इसको बिल्कुल आपने पीसना नहीं है, थोड़े खड़े खड़े रहें तो अच्छे लगते हैं समोसों में। इस तरीके से आप जो इसको करके, उसके बाद जो ये मसाला हमने तैयार किया था व्यूवर्स, ये इसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना आप डालें। ये देखिए मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना ही डालूँगा, बस ये मसाला इतना काफ़ी है। इसके साथ ही आपने नमक ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नमक जो है इसमें मसाले में नहीं जाएगा, नमक आपने बाद में ऐड करना है। और तकरीबन 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा धनिया, हरा धनिया ये आप डाल लें इसमें, बस ये डाल के आप इसको मिक्स करें। आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका फिलिंग बनेगी समोसों की। आप खाएंगे, आप याद करेंगे इन समोसों को, सारे समोसे भूल जाएंगे आप इंशाल्लाह ताला। ये रमज़ान की ख़ास आइटम है जो मैंने आपके लिए शेयर की है, तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
कि आप मेरी तमाम वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मज़ीद भी आप लोग इसी तरह करते रहिएगा इंशाल्लाह ताला, तो मेरी तमाम वीडियोस आपको मौसूल होंगी जल्द अज जल्द, और हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और आसान तरीक़ों से सिखाऊंगा। ये हमने फिलिंग तैयार कर ली है, अब मैं समोसों में भर के और फ्राई करते हुए आपको दिखाता हूँ। ये व्यूअर्स, ये मैं आपको समोसा भरना सिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप आसान तरीके से भरें, कोई वो नहीं है कि ये अलर्ट करें, इस तरह करें। ये आपने पकड़ा इसको, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको जोड़ दें, ये सीधे कीजिएगा, और ये इसमें फिलिंग भरी आपने, ये इस तरीके से दोनों साइडों पर पानी लगाया, ये आपका समोसा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिएगा, ये इसी तरीके से आप अपने सारे समोसे भर लें। ये देखिएगा, ये किया आपने, इसको यहाँ से यूँ जोड़ा, यूँ खड़ा किया इसको, ये इसके अंदर फिलिंग भरी, फिलिंग भर के ये पानी लगाना है, और ये आपका समोसा जुड़ गया। इसी तरीके से सारे समोसे तल लें आप, जब ये फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यूवर्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्राई किस तरह होंगे। पहले आप जब ऑयल आपने गर्म किया है तो पहले आप ज़रा सा पीस एक डाल के चेक कर लें। ये देखिएगा, ये अब तैयार है बिल्कुल फ्राई के लिए। तो इसमें आप समोसे आप एहतियात से हाथ बचा के डाल सकते हैं, ये इस तरीके से। एक बारी में जितने समोसे आते हैं उतने डालें, खुले इनको फ्राई होने दें, बहुत ज़्यादा आप जो है ना भरिएगा नहीं। ये व्यूवर्स, ये देखिएगा, अब ये हल्के हल्के रेडिश हो गए, बस इस पोजीशन में आपने इसको पलट देना है। ये ज़्यादा लाल नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये बहुत हल्के और लाइट समोसे हैं, खाने में आपके भारीपन महसूस नहीं होगा। व्यूवर्स, ये मैं जो चने इसके बन रहे हैं समोसा चाट के साथ, वो चने बनाने के लिए मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने ये ऑयल लिया है, तकरीबन हाफ कप ऑयल है। इसके अंदर ये आपने प्याज डाल ली है, ये सोख करनी है प्याज, रेड करनी है प्याज ये, ठीक है। ये भी बस, ये प्याज आपकी ब्राउन हो गई, इतनी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा। ये लहसुन का पेस्ट है, ये एक टीस्पून ये डालना है इसमें, और इसके साथ जो हमने ये गर्म मसाला है 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, और नमक आप हसब ज़रूरत जितना डालना डाल दें, ये डाल दें इसके अंदर, और कोई ख़ास इसमें मसाला नहीं जाएगा। ये करके ये थोड़ा सा भून के, और इसमें आप पानी ऐड कर दें, ये पानी चला गया, पानी के साथ ही आपने इसमें चने डाल देने। ये चने आप समोसा चाट के अलावा नान के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम अभी इसको समोसा चाट के लिए बना रहे हैं, तो इसमें कोई हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह इस टाइप की चीज़ें नहीं जाएंगी, वरना वो टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। थोड़ा सा बेशक इसको मैश कर दें इसके अंदर ही, हल्का हल्का सा बस, ये करके और तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाएं, तो ये हमारे चने बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दें बस, ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऊपर से ऐड कर दें, इससे लज्जत में इजाफा हो जाएगा। ये बस व्यूवर्स, ये हमारे समोसा चाट के साथ जो लवाजमात हैं ये तमाम हमने तैयार किए हैं। इसको मैं फर्दन बाद में आपको सिखाता रहूँगा। ये हमने ग्रीन चटनी बनाई है दही वाली, इसमें जो हमने ग्रीन चटनी बनाई है ये भी आपको बनाना सिखाऊँगा। साथ ही ये इमली का पल्प है, इसको ले कर हमने थोड़ा सा पकाया है, इसमें मिर्च, चाट मसाला और नमक डाल के, ये कच्ची ना खाइएगा, गला ख़राब हो जाता है इससे। ये हमारी अरारोट की चटनी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये इसके साथ जाएगी। ये दही है, ये डलेगा इसमें, ये चने हैं, और ये सैलड है। ये सारा मैं अभी आपको प्लेट बना के दिखाता हूँ इसकी किस तरीके से बनेगी। ये आप व्यूअर्स, ये एक समोसा लें, इसको इधर तोड़ें, ये देखें आप, ये इसकी लुक देखें, अंदर से भी बाहर से भी ये लुक है इसकी। ये इस तरीके से इसको क्रश करें, तो पहले सबसे पहले इसके अंदर आपने जो डालना है, सबसे पहले आपने इसमें चने ऐड करने हैं, बस ये चने इतने डालें। इसके बाद इसमें जाएगा
ये दही सफ़ेद, उसके बाद ये ग्रीन चटनी, उसके बाद ये इमली का पल्प, ये एक चम्मच डालिएगा। ये मीठी होती है ये अरारोट की चटनी, ये कोई ज़्यादा खाता है कोई कम, आप जिस तरह चाहें इसको डाल लें। साथ ही आपने ये प्याज डालनी है, ये टमाटर डालने हैं, और ये आपकी प्लेट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरा रोज़ा है, नहीं तो मैं आपको खा के दिखाता हूँ। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मज़ीद रेसिपीज लेके मैं दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तो ये आप लोग बनाइएगा, बहुत लजीज। तमाम जितनी भी रेसिपी अब तक बता चुका हूँ बहुत अच्छी बनेगी, और जिन्होंने पसंद किया है उनका बहुत शुक्रिया। आगे भी आप लोग हमें लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो इससे आपको आने वाली तमाम वीडियो जल्द से जल्द मिलेंगी। लिहाजा बहुत शुक्रिया, खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।